हरियाणा के करनाल में 10 अक्टूबर को भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान की ओर से किसानों के लिए वैज्ञानिकों के साथ सीधे संवाद सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों के किसान भी संवाद सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। किसानों को यहां नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। किसानों की समस्या का निपटारा भी किया जाएगा। यहाँ किसानों को कृषि विशेषज्ञों द्वारा अपनी आय को दोगुना करने के तरीके बताए जाएंगे। इसमें भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान के उप महानिदेशक फसल डॉक्टर AK सिंह और बी राजेंद्रन शिरकत करेंगे, जो किसानों के साथ यहां सीधा संवाद करेंगे। देखिए, हमारा संस्थान जो है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, आने वाले महीने अक्टूबर में 10 तारीख को एक गेहूं के ऊपर और अन्य विषयों पर जो वैज्ञानिक और कृषक संवाद है उसके बारे में एक दिन की कार्यशाला आयोजित करने जा रहा है। इस कार्यशाला में करीब उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के 1000 से 1500 किसानों के भाग लेने की संभावना है, और उनको हम नई नई तकनीकों पे, न सिर्फ गेहूं के बल्कि अन्य विषयों पे भी प्रमुख जो तकनीकी जानकारी है उपलब्ध कराएंगे। और हमारा जो प्रमुख फसलें हैं, जैसे गेहूं है, उसका बीज जो नवीनतम किस्में हैं, जैसे WB2 है, HD3086 है या 2967 है, उसका बीज भी उचित दर पे जो सरकार द्वारा निर्धारित है मुहैया कराएंगे। और साथ में जो नई किस्में हैं, जैसे DBW 173 है, उसका कुछ मात्रा में बीज निशुल्क तौर पे किसानों को एक मिनी किट ट्रायल के लिए भी प्रदान किया जाएगा। ये कहा जाता है कि किसान जब नई चीज़ का प्रयोग करता है तो पहले उसको एक बार आजमाना चाहता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नई किस्में हैं इनका बीज किसानों के खेत पे लगाया जाए, किसान स्वयं देखे कि जो पुरानी किस्में थीं उससे ये नई किस्म किस स्थिति में बेहतर है, किस किस स्थिति में श्रेष्ठ है, कहाँ इसमें कमी है या अच्छी है, उसकी जानकारी हमको वापस प्रदान करे और हम आगे उत्तरोत्तर इसमें सुधार की निश्चित तौर पे। मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को दुगना करने के लिए एक संवाद है, क्योंकि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है किसानों की आय दुगना करने का, और उसमें किसानों की क्या प्रमुख समस्याएं हैं, कैसे उनकी आमदनी बढ़ाई जा सके, उसमें किसानों का क्या विचार है, उसको जो नीति निर्माता लोग हैं, जैसे कि जॉइंट सेक्रेटरी साहब आएंगे क्रॉप्स के, भारत सरकार के, उनके साथ डायरेक्ट संवाद किया जाएगा। क्योंकि अभी नीति का निर्माण हो रहा है, प्रधानमंत्री ने एक समिति बनाई है जो ये अनुशंसा करेगी कि किसानों की आमदनी कैसे दुगना करें, उसमें इस अनुशंसा को शायद रख पाएंगे। मुख्य अतिथि हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक फसल डॉक्टर AK सिंह आएंगे, और उसके साथ डॉक्टर बी राजेंद्रन, जो कि संयुक्त सचिव फसल हैं भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय में। वो कितने दिन का होगा? एक दिन का मेला है और उसमें काफ़ी जानकारी देगी हमारा संस्थान देगा, ना सिर्फ हमारा संस्थान बल्कि आसपास के करनाल बेस्ड जितने भी संस्थान हैं, वो अपनी सारी तकनीक यहाँ किसानों के लिए। करीब करीब मुझे अंदाज़ा है कि 1500 के आसपास किसान आने चाहिए, उनके लिए उचित व्यवस्था की जा रही है और उनको आने में कोई कष्ट नहीं होगा, और मुझे निश्चित उम्मीद है कि जब वो यहाँ इस मेले में आएंगे तो कुछ न कुछ अवश्य यहाँ से लेकर जाएंगे अपने।